जिला जयपुर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद अब आय बढ़ाने पर फोकस किया है। आयुक्त वीपी सिंह ने टैक्स वसूली के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। आने वाले दिनों में नगर निगम का एक्शन भी देखने को मिलेगा। जयपुर नगर निगम ने राजस्व वसूली पर फोकस कर दिया है। अभी तक नगर निगम ने आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। राजनीतिक दबाव, अधिकारियों की इच्छा शक्ति और अच्छी प्लानिंग नहीं होने की वजह से निगम का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, लिहाजा टारगेट के आसपास भी निगम नहीं पहुंचा। अब निगम के नए आयुक्त वीपी सिंह ने आय बढ़ाने पर ही फोकस किया है। वीपी सिंह के निर्देशों के बाद नगर निगम के राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार नवल ने यूवी टैक्स वसूली के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। सुरेश कुमार नवल ने सभी राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर वित्तीय वर्ष के लिए जोन के हिसाब से टारगेट बना लिए हैं। जल्द ही निगम सभी बकायेदारों को नोटिस देगा। अगर बकायेदारों ने तय समय पर बकाया यूवी टैक्स जमा नहीं कराया तो नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई भी करेगा। इस साल टैक्स वसूली के लिए 100 करोड़ का टारगेट रखा गया है। ये टारगेट पिछली बार से करीब 40 करोड़ रुपए ज्यादा है। उपायुक्त राजस्व ने सभी जोनों के हिसाब से टैक्स वसूली का टारगेट तय कर दिया है। सभी उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों को गंभीरता से टैक्स वसूली करने के लिए निर्देशित किया गया है। जोन के हिसाब से टैक्स वसूली के टारगेट की बात करें तो मोती डूंगरी जोन में पिछली बार 13 करोड़ टैक्स वसूला गया था। इस बार टारगेट 25 करोड़ का है। हवा महल वेस्ट में पिछला वसूला गया टैक्स 19 लाख है। इस बार टारगेट 50 लाख रखा गया है। हवा महल ईस्ट में पिछली बार 33 लाख की वसूली हुई, इस बार 70 लाख का टारगेट रखा गया है। विद्याधर नगर में पिछला वसूला गया टैक्स 94 लाख था, इस बार टारगेट 17 करोड़ है। सिविल लाइन जोन में पिछला वसूला गया टैक्स 19 करोड़ था, इस बार का टारगेट 28 करोड़ है। सांगानेर जोन में पिछला वसूला गया टैक्स 65 लाख था, इस बार का टारगेट 12 करोड़ है। मानसरोवर जोन में पिछली बार 69 लाख टैक्स वसूला गया था, इस बार टारगेट 12 करोड़ है। आमेर जोन में पिछला वसूला गया टैक्स 18 लाख था और इस बार टारगेट 40 लाख रुपए है। टैक्स वसूली के लिए जो टारगेट नगर निगम ने इस बार बनाया है, अगर उसे हासिल किया गया तो जयपुर शहर के लिए ये बड़ी सौगात होगी, क्योंकि निगम की आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होगी शहर में उतनी ही ज्यादा विकास के काम होंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से शिवेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ में महात्मा गांधी के पुतले पर हिंदू महासभा की पदाधिकारी द्वारा गोली चलाने के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गांधी सर्किल पर सांकेतिक धरना दिया और इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने गांधी जी को करेंसी पर बैठाया लेकिन बीजेपी ने कूड़ेदानों पर उनका चश्मा लगा दिया। इससे पता लगता है कि उनकी गांधी जी के प्रति सोच क्या है। अभी तो ये एकदम खुलेआम गांधी जी के पुतले के ऊपर गोली चलाना, ये तो राष्ट्र का अपमान है। एक तरफ हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपिता को जिस तरीके से चौराहे पे रखकर सरकार क्या कर रही थी वहाँ पे? क्या सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो गई थी? मैं समझता हूँ कि आइंदा इस प्रकार का कृत्य न हो और जिन्होंने ये घटना घटित की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी के लिए धरना रखा गया है।